सिख जथेबंदी व सिख तालमेल मिशन लुधियाना की ओर से आज अमृतसर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें श्रोमणी अकाली दल और भाजपा के लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों का बायकॉट करने का फैसला किया गया। उन्होंने कहा कि ये दोनों पार्टियों ने सिख कौम की धार्मिक व सामाजिक और आर्थिक नुकसान किया है, इस कारण उनकी जथेबंदी हर जिले में जाकर लोगों को जागरूक कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि हरिमंदर साहब के नज़दीक बने हेरिटेज स्ट्रीट में बनी कलाकृतियों पर टिप्पणी की और कहा कि ये सब बादल परिवार की ओर से सिख पंथ की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया है। वहीं उन्होंने कहा कि इनकी जगह पर शहीदों की तस्वीरें लगानी चाहिए थी। आज जो मास्टर संतोख सिंह जी दबावाल सिख तालमेल मिशन वालों लुधियाना तो इन्होंने जो संघर्ष शुरू किया है बादलों के विरुद्ध बीजेपी के विरुद्ध, उस संघर्ष का एक हिस्सा बन गए आए असी असी इन्हों का पूर्ण तौर पर सहयोग करांगे। पंजाब की एक एक गली एक एक नगर एक एक शहर के पहुँच के पंजाब वासियों नूं असी इस गल तो जाणू करावांगे कि इन्हां बादलों इन्हां बीजेपी नूं इन्हां ने जिन्होंने सिखी का नहीं इन्हां पूरी मानवता का घाण किया वा इन्हां नूं भजा के ते आपां एक चंगे सचजे वीर जिहड़ी आ उन्हां नूं अपने जिहड़ी देश की बागडोर उन्हां नूं दित्ती जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस इस करके की गई है कि जिहड़े राजनीतिक लोकां ने सिखी का खासकर पंजाब का सारे वर्गों का घाण किया ते उन्होंने हर पक्ष तो पंजाब नूं तबाह किया, धार्मिक आर्थिक राजनीतिक समाजिक ये बादल दल ते भाजपा ये दो जिम्मेवार जिहड़ियां हैगियां मेन जिम्मेवार, बाकी तकरीबन तकरीबन हिस्सेदार बहुत होणगे लेकिन मेन जिम्मेवार ये ने। इस करके इन्हां नूं रोकण वास्ते असीं ये समां चुणिया कि इलैक्शन दे विच असीं वोट लोगों को बेनती कर रहे हैं कि इन्हों वोट ना पोल किया जाए, बाकी किनिया पार्टियां जिन्हों मर्जी पोल कर दो पर इन्हों वोट ना पोल की जाए। दूसरा एक खालड़ा बीबी है जिन्हें मनुखी अधिकारों की राखी की उन्होंने पिछोकड़ दे विच उन्होंने परिवार ने, उन्होंने बेनती करते हैं कि असी उन्होंने वोट जरूर कास्ट की जाए। जागृति लहर के लिए अमृतसर से अमन महाल की रिपोर्ट।